हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ में पाइनएप्पल पेस्ट्री। पाइनएप्पल पेस्ट्री बनाना बहुत ही इजी है। ये घर पे आप तुरंत बना सकते हैं, आपका जब भी मन करे आपके बच्चों को खिला सकते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ सामान की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि पाइनएप्पल पेस्ट्री कैसे बनाना है हमें। फ्रेंड्स, आज हम पेस्ट्री बनाने जा रहे हैं, पाइनएप्पल पेस्ट्री। उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 ब्रेड की स्लाइस ली है। ये व्हीट ब्रेड है, आप चाहे तो मैदे का व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। पाइनएप्पल पेस्ट्री बनाने के लिए हमें पाइनएप्पल क्रश की ज़रूरत पड़ेगी, जो मार्केट में अवेलेबल है, आपको इजीली मिल जाएगा। व्हिप्ड क्रीम और थोड़ा पानी लिया गया है। पानी इसलिए ली हूँ ताकि ये ब्रेड को हमें सॉफ्ट करना है। तो चलिए देखते हैं अब हमें इससे क्या करना है। पहले हम इस ब्रेड के लॉफ को चारों तरफ से काट लेंगे, काट कर निकालते हैं। ब्रेड की लॉफ को काट लिया, आप इसका साइज देख लीजिएगा, सेम ब्रेड बरोबर होना चाहिए। अब हम एक एक ब्रेड के ऊपर हल्का हल्का पानी लगाएंगे, सारे ब्रेड के ऊपर पानी लगाना है। पहले पानी लगाना है हमें, ब्रेड को सॉफ्ट करना है। पानी लगा दिए इसके ऊपर, अब हम इसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम लगाएंगे। अच्छी तरह से चारों तरफ फैला लीजिए। अब इसके ऊपर पाइनएप्पल क्रश डालेंगे हम हल्का हल्का। इसे भी चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लीजिए। अब हम उसके ऊपर वापस एक ब्रेड की स्लाइस रखेंगे, इसे प्रेस कर दीजिए हल्के से, और इसके ऊपर अब हमें पानी लगाना है, सेम प्रोसेस। हम फिर से इसके ऊपर सेकंड स्लाइस के ऊपर में फिर हम व्हिप्ड क्रीम लगाएंगे। इसे हमें चारों तरफ फैलाना है। अब पाइनएप्पल क्रश डालेंगे इसके ऊपर। फ्रेंड्स, लास्ट स्लाइस है, सेम प्रोसेस। इसके ऊपर हम पानी लगाएंगे। इसे आप शुगर सिरप भी लगा सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही मीठा होता है। व्हिप्ड क्रीम भी मीठी है, क्रश पाइनएप्पल क्रश भी मीठा ही है, इसलिए मैंने ब्रेड को सॉफ्ट करने के लिए सिर्फ पानी का यूज़ किया है। अब लास्ट में हम इसके ऊपर सिर्फ पाइनएप्पल क्रश ही डालेंगे, इसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से इस पर पाइनएप्पल लगा लीजिए, पाइनएप्पल क्रश अच्छे से लगा लीजिए चारों तरफ। पाइनएप्पल क्रश भी अच्छे से लग गया है। अब हम इसे इस तरह से आड़ा में हाफ करेंगे इसे। चलिए अब हम इसे कट कर देते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है ये पेस्ट्री।
इसे हाफ कट कर दीजिए आप। देखिए फ्रेंड्स, ये हाफ हो गया है। अब हम दोनों साइड में क्रीम लगाएंगे, व्हिप्ड क्रीम। फ्रेंड्स, अब हम इस पे साइड साइड में यहाँ क्रीम लगा देंगे, व्हिप्ड क्रीम। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ साइड में भी लगा लिया है। अब इस व्हिप्ड क्रीम के ऊपर में हम एक चेरी लगाएंगे। हमारा पाइनएप्पल पेस्ट्री बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरा फ्रेंड्स, हमारी पेस्ट्री बिल्कुल रेडी है। चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।